नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं आप सब लोग खैरियत से रहें। दो तीन दिन से इतनी ठंड पड़ रही थी, कोई काम करने को दिल तो कर नहीं रहा था। आज जाके धूप अच्छी सी निकली है, तो मुझे इसकी बताना था कि आपको जो गुलदावदी आपके यहाँ हो रही है वो हमारे दिसंबर से ही गुलदावदी हो रही है। लेकिन इसके देखो पास में दिखाओ, देखो ये फूल जो है बेकार हो गए, सब बेकार हो गए। अब इसको करना क्या है, क्यों हर पेड़ का अपना एक हिसाब होता है उसको सही रखने का। अब जब आपकी ये गुलदावदी गमले में है और ये इस तरह से हो गई है, तो अब आपको ये करना है कि इसको जो है नीचे से काट देना है, क्योंकि अगर जो इसको ऐसा कैसे ही रखोगे तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, मतलब इतनी बढ़िया इसकी जो है ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि हमारे को इसको अब काट देंगे, इसकी अब कटिंग कर देंगे तो अगस्त या सितंबर के महीने में ये अच्छी तरह फैल जाएगा। उसके बाद हमारे को इसकी जो है ये टहनी चाहिए दोबारा लगाने के लिए, तो तब हमारे को इसकी टहनी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो इसमें करना क्या है आपने कि सिर्फ ये नीचे से काट देना है, नज़दीक से दिखा दो। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया है, ये काट दिया, ऐसे ही आपको सारे काट देने। क्योंकि जो इस मौसम के फूल आने थे वो तो आ लिए, अब तो आएंगे जो इस मौसम में फूल आने थे वो तो आ लिए, अब तो कोई आएगा नहीं इसके अंदर। अब इसको काट देंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा, अगले साल के लिए तैयार हो जाएगा। ये इतनी जल्दी खराब ना होते, बारिश से जल्दी खराब। हाँ नहीं, काफी अब ये दिसंबर से चल रहे हैं फूल, इनकी भी क्या है। हाँ लेकिन फिर भी अभी चलते रहते अगर बारिश ना। अब उसमें क्या है, अब ये हम इसकी अगस्त में कटिंग करके लगा देंगे और यही जो है ये पेड़ अगस्त के बाद यही फूल देने लगेगा, इसी के अंदर ही इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि यही फूल देने लगेगा। और जो हम जो अलग से कलम लगाएंगे वो एक महीने के अंदर तैयार हो जाती है, वो लगाओगे वो ही फूल देना शुरू कर देंगे। पर ये ज्यादा देते हैं फिर। ये पुराना पेड़ है ना, नहीं नई भी जो है टाइम से अगर जो लगा दो तो देती है फल, मतलब फूल जो है ये। पर इतना भारी भरकम पेड़ नहीं होता ना, वो गुलदस्ता सा बन जाए। ये गमला है, नया है। गमले में और जमीन में फर्क होता है। अब मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा। जब अब ये क्या है, यहाँ बाकी जो ये लगे हुए थे इनकी जगह नए सीजन के जो है फूल लगाए जाएंगे। पीछे सर्दी इतनी पड़ रही थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्यों धूप ही नहीं निकल रही और ठंड इतनी कि रजाई से बाहर निकलने को हिम्मत ही ना करे। ये हमारा तो फिर भी दिल्ली के आसपास का इलाका है, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी क्या हालत हो, लेकिन ये है कि उनको भी आदत पड़ जाती है, जो जहाँ रहता है उसको वैसी आदत पड़ जाती है। जैसे गुलाब की कटिंग जो है फरवरी और अक्टूबर में करी जाती है, और इस फूल की भी ये दिसंबर से दे रहा है फूल। अब इसकी सब खत्म हो गए, अब इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया तरह से फैलेगा। ये तो अभी मेरे गमले में है, अभी तो जो जमीन में लगा रखे हैं उनकी भी करनी है कटिंग, लेकिन कुछों में फूल आ रहे हैं अभी। उनके बीच जो घास हो रही है अभी फाड़ देंगे, ये तो निकल जाएगी बाद में, तो बरसात ज़्यादा हुई ना तो उसकी वजह से कुछ फालतू घास हो जाती है। अभी देखो ये है, इसके अंदर अभी फूल आ रहा है, ये तो शुरू ही हो रहा है।
देखो अभी ऐसे मारा, ये तो होगा। हाँ, और ये अभी था छोटा पेड़ है, ऐसे ये काफी बड़ा गमला है। तो ये नहीं देखा कौन से रंग के थे, वो चेप ही लगा दे। नहीं वो तो मेरे को पता ही नहीं, पत्तों से पता चल जाता, इनके पत्ते ही जो है बता देते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एक कलर भी सर, एक कलर, कलर तो ज़्यादातर पीली है, जो डार्क होगा उसका रेड टाइप का होगा, जो जिसके हल्के पत्ते होंगे वो पीला पीला होगा। ये है अभी तो मेरे को जो ज़मीन में लगे हुए हैं उनको भी जो है मेरे को इसकी इस तरह से ट्रिमिंग करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गुलदाउदी के बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। इसी उम्मीद के साथ परमात्मा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। नमस्कार।